आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेरिका की, क्या भारत अगला है, ये बड़ी चिंता की बात है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार आ गए हैं, दूसरा टर्म है इनका, लेकिन क्या ट्रेड वॉर भारत से भी होगा? जापान, चाइना और अब भारत, अमेरिका के रास्ते में जो भी खड़ा होगा, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। एकदम सही बात है, चाणक्य नीति पे चलना होगा और चाणक्य नीति का कोर्स 1000 रुपये का हो जाएगा 3 दिन बाद। अभी 300 रुपये का नीति 70 कूपन कोड यूज़ करें। एक बार बैच शुरू होता है फिर हम बैच मतलब बंद भी कर देते हैं और फिर कोर्स भी काफ़ी महंगा हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पर लिंक दिया है, अगर आप एप्पल फ़ोन आईफोन यूज़ करते हैं या मैकबुक यूज़ करते हैं तो ऐप स्टोर पर भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे तो वेबसाइट पे भी आप ये कोर्स ले सकते हैं। तो ये शानदार कंटेंट्स अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं, एक एक लेक्चर जो है 2 से 2.5 घंटे का होगा, तो आइए हमारे कोर्स को अवेल करिए। तो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी, वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की बड़ी तारीफ तो की है इस बार काफ़ी ज़्यादा, JD वैंस की वाइफ उषा वैंस, अभी तुलसी गबार्ड जो है वो इंटेलिजेंस को लीड करेंगे, विवेक रामास्वामी जो है, मतलब एक तरीके से इंडियंस का बोलबाला है और इंडियन अमेरिकन्स ने काफ़ी वोट भी दिया डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेड की प्रॉब्लम्स जो बताई जा रही है कि एक बहुत बड़ा खतरा है भारत के ऊपर, ये ना हो जाए। देखिए अमेरिका कहता है कि हमारे प्रोडक्ट ही बिकने चाहिए। क्यों बिकने चाहिए भाई तुम्हारे प्रोडक्ट, क्यों बिकने चाहिए तुम्हारे प्रोडक्ट? आप मुझे बताइए कि चाइना सस्ता लेबर देता है, तुम भी दो सस्ता लेबर, आप 500 रुपये में डॉक्टर को यहाँ पर दिखा सकते हो, अमेरिका में यही 30,000 रुपये है, सबका इंश्योरेंस है वहाँ पर। तो एक तरीके से अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी ऐसे की है, भाई जो बिजनेसमैन है वो तो प्रॉफिट देखेंगे, है कि नहीं? तो इसी प्रॉफिट के चक्कर में वो बाहर कंपनी सेटअप करते हैं कि सस्ता लेबर मिलेगा उनको। लेकिन अमेरिका इससे गुस्सा है, अमेरिका कहता है कि भाई हमारे ही प्रोडक्ट जो चाइना के हैं या जापान के वो बड़े सस्ते में बिकते हैं तो हम तो टैरिफ लगाएंगे। अब ये WTO रूल्स के तो खिलाफ ही है। तो अभी जापान के ऊपर अमेरिका ने ये किया है, चाइना के ऊपर ऑलरेडी कर दिया था और अब इंडिया के ऊपर करेगा। स्टील और एल्युमिनियम पे जबरदस्त टैरिफ लगाए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, जो बाइडेन आए तो रिलैक्स किया इसको और अब फिर हो सकता है उस पर टैरिफ लगाया जाए। रिटेलिएशन भारत ने किया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो अमेरिका से भारत आते हैं उस पर भी फिर हमने टैरिफ लगाए। तो दिक्कत की बात यही है, चाइना की रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, अमेरिका डरा हुआ है कि भैया इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है कि कहीं हमको ही ना पछाड़ दें। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था गली गली में शोर है, चाइना जो है वो चोर है, तो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चाइना ने चुराई है, हमारे यहां से सीख के चाइना आज हमको आंख दिखा दिया है। ओहो हो हो, तो यही सब कुछ, यही पूरा का पूरा बवाल चल रहा है। तो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो, और आपको बता दूं कि चाइना से जो ट्रेड डेफिसिट है वो $1 ट्रिलियन के करीब जो है वो जाने वाला है। ये इतना जो ट्रेड डेफिसिट $1 ट्रिलियन सरपास कर जाएगा, तो वही बता रहे ना कि भाई चाइना में हर कोई कंपनी, अब एलॉन मस्क भी अपनी जो कंपनी है वो चाइना में ही सेटअप करेंगे, वो पहले भारत नहीं आएंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम आयन प्रोडक्शन फैक्ट्री चाइना की है, चाइना ओन करता है। तो अमेरिका को ये दिक्कत है और अमेरिका कहता है कि भाई हमारा मार्केट खत्म हो जाएगा ऐसे, तो भारत से भी अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है। ये कमाल की बात है, भारत से अमेरिका का बहुत लोगों को लगता होगा कि नहीं नहीं अमेरिका तो इतना डेवलप्ड कंट्री ना, हम ज्यादा बेचते हैं, बेचेंगे ही ना भाई प्रोडक्ट सस्ते में अगर कहीं जा रहे हैं। भाई देखिए मेंटालिटी सबकी सेम होती है, इंसान हर जगह एक ही है, पैसे कोई क्यों ज्यादा खर्च करेगा? बांग्लादेश में जारा का जब आप कोई कुछ खरीदोगे तो वो 3,000-5,000 का मिलेगा, वही बांग्लादेश में सेम कपड़ा आपको 500 रुपए का मिल जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश से बन के जाता है, मेड इन चाइना वाली आज भी झालर हर कोई खरीदेगा, क्यों? 30-40 रुपए की आ जाती है। अरे खराब हो जाए तो खराब हो जाए, ऐसे तो 300 रुपए की आएगी। अमेरिका में भी यही है, तो भाई क्यों कोई उनके प्रोडक्ट ना खरीदे, आप इसका एक रीजन दे दीजिए। तो इसीलिए अमेरिका कहता है कि ना ना ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी हमको, तो हम तो लगाएंगे टैरिफ। तो पहले इन्होंने सेम चीज जापान के साथ 1970s में की, जब इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जब जापान बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था तो अमेरिका ने गजब के टैरिफ्स लगाए और अब सेम टैक्टिक्स उसने चाइना के साथ जो है वो क्रिएट की, सेम टैक्टिक्स उससे सही, क्योंकि देखिए पहले जापान को लाइन पे लाया, लेकिन जापान, देखिए जापान और अमेरिका में और जापान और अमेरिका और चाइना में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क यह है कि जो अमेरिका और चाइना है वो अलग अलग है, अमेरिका और जापान जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, अमेरिका जापान को सिक्योरिटी देता है,
जापान की इकोनॉमी बनाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, आप समझ रहे हो। अब तो वही है, अब तीसरा क्या इंडिया होगा? क्या भारत पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रेड वॉर शुरू करेंगे? बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी, क्योंकि बार बार अमेरिका, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में बोला तो था कि बहुत बढ़िया है इंडिया, बहुत अच्छा है, लेकिन जो टैरिफ लगाता है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद एक बिजनेसमैन है और उनका माइंडसेट वैसा ही चलता है। अब देखिए, आपको पता है कि इंडिया जो है, जैसे WTO में बहुत बोलते रहते हैं कि क्यों इनको डेवलपिंग नेशन का, इंडिया को ये खिताब दिया गया है, क्यों इतनी रियायत दी गई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। भाई, अमेरिका ने भारत को GSP से हटा दिया, सीधा सीधा $5.5 बिलियन का फटका लगा हमको 2019 में, सीधा सीधा $5.7 बिलियन हमने खो दिया एक्सपोर्ट जो हम अमेरिका बेचते थे। तो एक तरीके से भाई देखिए, स्टेप वन, तीन स्टेप होते हैं, पहले टैरिफ, फिर दूसरा ट्रेड, ट्रेड वॉर, और तीसरा वॉर। ट्रेड वॉर अल्टीमेटली लीड्स टू वॉर, ये जग जाहिर है। अगर डोनाल्ड ट्रंप 2020 के बाद भी आ जाते तो शायद आज अमेरिका और चाइना युद्ध में चले जाते, वी डोंट नो। रॉबर्ट, क्या नाम है इनका यार, ये लाइटिजर, लाइटाइजर, लाइटर, जो भी है, ठीक है, देख लेना भाई, कोई सही प्रोनाउंस कर दो। तो ये रिप्रेजेंटेटिव थे USTR, अमेरिकन यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थे, बहुत कंजर्वेटिव आदमी, बहुत प्रोटेक्शनिस्ट, किताब भी लिखी थी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की रिजीम में। और उन्होंने वही बोला कि भैया देखिए, यही होगा, आपको क्या लग रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो अपने साथ टैरिफ भी साथ लाए हैं, और इस बार भारत उनके निशाने पे होगा। अब हालांकि देखिए, इंडिया इतनी इकोनॉमी बड़ी है, लेकिन बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है जैसे चाइना है या जापान है, वो हमसे काफी बड़ी इकोनॉमी है, या यूरोप है। इंडिया धीमे धीमे उसको पकड़ रहा है। हाइजर का कहना है कि 1989 में जो लिबरल ट्रेड पॉलिसी है, इसकी वजह से हमने जॉब खोई, हमारे यहां जॉब गई। अब H-1B वीजा का जो इशू है वो अभी भी अमेरिका में चल ही रहा है, तो हमारी जॉब जाने की वजह से यही बाहरी ताकतों का हाथ था। तो हम तो भाई वही है कि इसमें हम इसमें अब चेंज करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, अब इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। और हम सबको पता है कि अमेरिका के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत लंबे समय तक इनको असिस्ट किया है कि कैसे आप इन सारी चीजों से बच सकते हैं। इन्होंने WTO जजेस तक को ब्लॉक कर दिया ताकि डोनाल्ड ट्रंप आसानी से, क्योंकि WTO देखता है ना कि अगर आप कहीं पे भी ऐसे डिसरप्शन कर रहे हैं तो WTO फिर आपके ऊपर डिसरप्शन कर देगा, रूल्स को वायलेट। लेकिन यहां पे जजेस को ही अपॉइंट नहीं होने दिया कि भाई क्यों अपॉइंट होने दे। और भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब ट्रेड सरप्लस है, वो अमेरिका के साथ है, वो लगातार आप देख ही सकते हैं ये बढ़ता ही जा रहा है अमेरिका के साथ। तो अमेरिका बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं कर रहा है कि भारत जैसा देश आखिरकार कैसे हमसे आगे निकलता जा रहा है। वही मेंटालिटी इनकी वही है अमेरिका की। अभिजीत दास बताते हैं, देखिए ये जो WTO रूल्स के वायलेशन है ट्रंप जो है ये करेंगे आगे आने वाले समय में, और ये भारत इसमें इफेक्ट होगा, ये आप मान के चलिए, क्योंकि 2018 में भी अमेरिका ने सेम स्ट्रैटेजी यूज की थी। और अभी इंडिया जो है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, टेक में आगे बढ़ रहा है, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में, अभी डोनाल्ड ट्रंप आए हैं 20 जनवरी को प्रेसिडेंट बन जाएंगे, उसके बाद वो देखेंगे सारी फाइलों को खंगालेंगे, और अगर इंडिया का कोई पर्टिकुलर सेक्टर की वजह से अमेरिका को नुकसान हो रहा है तो उसमें टैरिफ लगेगा ही लगेगा। और इस समय इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर झंडे गाड़ रहा है। अमेरिका ने कई सारे चाइना के ऊपर आरोप लगाए थे कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तुम चुराते हो, तुम्हारे गुड्स जो क्वालिटी होते हैं बेकार होते हैं, तुम अपनी जो फालतू के प्रोडक्ट है वो डंप कर देते हो। और यही सेम चार्जेस उसने जापान के ऊपर लगाए थे, और हो सकता है आगे आने वाले समय में भारत अगला हो, इंडिया अगला हो। तो माइट बी पॉसिबल कि जो फार्म और सर्विस सेक्टर है वो टारगेट रहे, क्योंकि देखिए $25 बिलियन से $50 बिलियन ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का भारत से हो गया है, समझ रहे हो। हालांकि आपको बता दूं कि चाइना का भी $100 बिलियन, चाइना से हमारा बहुत बड़ा $100 बिलियन के करीब डेफिसिट पहुंच रहा है, तो अमेरिका बिल्कुल भी ये पसंद नहीं करेगा। अब देखिए वही है कि ये जो आइडियोलॉजी है डोनाल्ड ट्रंप की कि हमारी इंडस्ट्री मर रही है, क्योंकि हमको अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, ये पूरी दुनिया के लिए हो सकता है घातक साबित हो, लेकिन देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजें आती है। क्योंकि जो हाई टैरिफ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे चाइना पे, अगर चाइनीज गुड्स पे डोनाल्ड ट्रंप हाई टैरिफ लगाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे लिए फिर
मार्केट खुल जाएगा। भाई जाहिर सी बात है कि अमेरिका में चाइना के प्रोडक्ट महंगे बिक रहे हैं, भारत के सस्ते बिक रहे हैं, और भारत क्वालिटी दे रहा है और ग्लोबल मार्केट में सेम चीज, तो ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसमें डोनाल्ड ट्रंप कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं वो तो आगे देखना पड़ेगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक डर का माहौल तो है, पर ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप डिफेंस के लिए तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन एक चीज और है ना कि चाइना और भारत के रिश्ते भी अब सही हो रहे हैं। भारत और चाइना के रिश्ते अब वापस पटरी पे आते हुए दिख रहे हैं 5 साल बाद, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, देखेंगे। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।